एंटरटेनमेंट यूथ प्लेटफॉर्म देश सेवा और समाज सेवा श्रेष्ठ उदाहरण बन्यो छे। महेश्वरी इंटरप्रीनियर यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट टूर्नामेंट साथे साथे राजस्थानी महिलाओं पल्लू थी पेवेलियन सुधी समाज ने मैसेज आप्यो छे। डीआरबी ग्राउंड पर 3-7 मई सुधी क्रिकेट टूर्नामेंट योजाई थी। आ डीआरबी ग्राउंड पर 3-7 मई सुधी योजाये क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रति रन 100 रुपया सैनिकों की मदद माटे अपाशे। पुरुषों द्वारा प्रति रन 100 और महिलाओं द्वारा प्रति रन 200 रुपया प्रमाण आर्थिक मदद पहुँचाड़े। शनिवार सुधी में 10,000 रन बनता 10 लाख रुपया भेगा कराया है। अठवा खाते आवेली होटेल में मेयो द्वारा समाजना आगेवानों की मीटिंग कराई थी, जेमां बीएसएफ ना आईजी रवि गांधी, मेयोना पदाधिकारी कॉर्पोरेटर रश्मि साबू, गिरधर गोपाल मुद्रा सहित आगेवानों पण उपस्थित रहा था। मेयो द्वारा कहवायुं छे कि जे रकम भेगी थशे ते बीएसएफ ना आईजी रवि गांधी ना मार्गदर्शन हेठळ सैनिकों सुधी पहोंचाड़शे। क्रिकेट टूर्नामेंट में थीम पण आर्मी साथे जोड़ायेली हती। देशना रियल क्रांतिकारियों ने टीम डेडिकेटेड कराई हती। टीमना नाम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह राखवामां आव्या हता, जेथी क्रांतिकारियों नाम थी बाळको अने लोकोने आज़ादी में शहीद थनार क्रांतिकारियों याद करी शके। वर्ष 2017 થી મહેશ્વરી સમાજ દ્વારા દરેક વર્ષે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વર્ષે દેશની સેવા કરવાનો પણ લક્ષ્ય છે। એટલા માટે જ આ કારણે આગળ વધારવા માટે યુવાધન અને સમાજ સેવકો પણ આગળ આવ્યા હતા। આસપાસની સોસાયટીઓમાં લેબરોને એક્સ્ટ્રા ફૂડ બનાવીને વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। ચપ્પલ વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું છે। 5,000 ઇન્ડોર પ્લાન્ટ પણ વેચવામાં આવ્યા છે અને તેની કાળજી રાખવાની જવાબદારી બાળકોને આપવામાં આવી છે। કર્મયોગની અંતર્ગત 101 સિલાઈ મશીનનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું છે। આ વર્ષે 10 લાખ રૂપિયાથી વધારેનું લક્ષ્ય છે, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી વધારે રેકોર્ડ છે। યે એક મેઓ કે 165-70 યંગ કપલ્સ ઇસમેં મેમ્બર હૈ, ઓર જિસ પ્રકાર સે બતાયા થા કે ક્રિકેટ ઇઝ અ ગોડ ઇન ઇન્ડિયા, ઓર એક માધ્યમ હમને ચુના ઓર એક પ્લેટફોર્મ હમને ચુના જહાં પર હમ પૂરી ફેમિલીઝ કો એક જગહ લા સકે વિથ વન મેસેજ। और इस बार का जो हमारा मैसेज है वो है हिंद उत्सव खेलो देश के लिए। किस तरह की क्रिकेट टूर्नामेंट रखी गई है और सैनिकों के लिए क्या किया है? क्रिकेट टूर्नामेंट हम लोगों ने लीग मैचेस रखे हैं, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। और जितने भी ये लीग मैचेस हैं उसमें जो भी रन बन रहे हैं, जितने भी रन बन रहे हैं, वो रन मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़ इंडियन आर्मी को जाएंगे। और किन लोगों का सपोर्ट रहा है इसमें? हमें सामाजिक लेवल पे हमारे काफ़ी परिवार हैं, काफ़ी ऐसे जन हैं जिन्होंने हमें बढ़ चढ़कर इस सोशल कॉज के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही साथ जो हमारे 13 कमेटी मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो हमारे 165 पूरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, सभी ने इसमें बहुत अच्छे से हिस्सा लिया और हम सबको ये इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मदद करी है। मैसेज क्या दोगे लोगों को? मैसेज तो यही देंगे कि ज़िंदगी में कामकाज के साथ साथ एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ एक ऐसा सोशल कॉज, सोशल नोबल कॉज होना चाहिए जिससे वो मैसेज जा सके हमारे फैमिली में, हमारे बच्चों में, जो आने वाली जनरेशन है उन तक वो मैसेज कंटिन्यू होना चाहिए कि हमारे देश के वीर क्या कर रहे हैं, देश के स्वतंत्र सेनानियों के लिए हमारे लिए क्या किया। और आप क्या क्या काम कर चुके हो पहले? हम हर साल कुछ ना कुछ सोशल करते हैं, जैसे कि बताया गया था कि फर्स्ट ईयर जब 2017 में हुआ तो 2017 में हम लोगों ने जो पास पास के जितने भी लेबर क्वार्टर्स थे उसमें हम लोगों ने फूड वितरण चालू किया। उसमें खासकर हमारे गणेश भाई, विजय भाई, शैलेश भाई, अखिल भाई, श्याम भाई, लॉकडाउन में बहुत काम किया। लॉकडाउन में जो यहाँ पे आर्मी यहाँ पे आई थी तो आर्मी के लिए हमने फूड वितरण का 7 दिन का पूरा 1.5 महीने तक हमने करीबन चलाया। उसके लिए लगभग 45,000 फूड पैकेट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे उस समय सर। उसके बाद हमारा हैप्पी फीट करके है, जो भी गाड़ी में एक 15-20 जोड़ी चप्पल रहते हैं जिनको भी दिखता है नंगे पांव कोई भी बच्चा या लेडीज़ या जना, उसको उसके नाप के हिसाब से हम तुरंत वो हैप्पी फीट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ग्रियो किया, उसमें हमने करीबन 10,000 पौधे वितरण किए। टोटल वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें हमारा। उसके नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने जो किया वो था हमारा कर्म योगिनी करके नारी सशक्तिकरण के लिए 101 स्विंग मशीन हम लोगों ने करीबन 8 लाख के आसपास दी। और इस बार कुछ हटके कुछ अलग, एक नई सोच देश के लिए, खेलो देश के लिए हिंद उत्सव, ये हमारा प्रयास है। और नेक्स्ट ईयर कुछ और लेके आएंगे। ये जो मेयो के प्रोग्राम्स हैं इससे सोसाइटी में बहुत इंटेग्रेशन होता है, और इसके साथ साथ टीम वर्क जो यूथ है उसको आज की डेट में कोई भी इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता है, तो इससे टीम वर्क बहुत डेवलप होता है जिसकी आज हमको बहुत ज़रूरत है, और उससे यूनिटी भी होती है।
जब हम सब एक साथ करते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक साथ कोई इवेंट करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, उससे यूनिटी होती है। तो इससे सोसाइटी को टीम वर्क, इससे सोसाइटी में यूनिटी, जिसकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इसके फ़ायदे मिलते हैं। तो बहुत अच्छा इवेंट है और सेलिब्रेशन से इकोनॉमी में भी फ़ायदा रहता है, बहुत सारी चीज़ें नई नई होती हैं, तो सभी दृष्टि से बहुत अच्छा इवेंट है और लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है। क्या मैसेज दोगे लोगों को? मैसेज यही है कि अपनी देशभक्ति अपने दिल में जगा के रखें और जो भी कुछ कर सकते हैं करें, यही है।